नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने अपने एक दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को रीवा पहुंचे और उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मंत्री पीसी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनसंपर्क मंत्री ने कहा है कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों और सहकारिता विभाग को लेकर गंभीर है। कैबिनेट की हर बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा होती है। किसानों को हर तरह की सुविधा और राहत देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अरे भाई, किसी को वो देना है नागरिकता, तो ये तो पहले से होता आ रहा है। ये सरकार जब बनी थी तब से है, हमारे संविधान में है। और मुख्यमंत्री जी ने एक ही चीज कही है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस की सरकार नहीं करने देगी, नहीं करने देगी। ये तय आप लाते हो एनआरसी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का एनआरसी नहीं, आप लाओ एनआरई। ये लोगों के नाम का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आप करो नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, लोगों के उस बात के लिए अप्लाई करो कि रोजगार कौन लोग बेरोजगार है, उनको रोजगार देना है, इसकी बात होना चाहिए। आज मध्यप्रदेश में अगर कोई बड़ी बात हो रही है तो रोजगार की बात हो रही है, उद्योग की बात हो रही है, चाहे दाऊ चाहे हो मुख्यमंत्री जी मैग्निफिशेंट मध्यप्रदेश किया हो, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति आए तो वो उद्योग लाने जा रहे हैं। आज मध्यप्रदेश की स्थिति यह है कि ये जीएसटी लगने के बाद सेंट्रल प्लेस है पूरा हिंदुस्तान का। यहां कोई उद्योग लगाएगा तो तमिलनाडु भी उतनी दूर, पंजाब भी उतनी दूर, बम्बई भी उतनी दूर, उधर अहमदाबाद के लोग, तो जो उसका जाने आने का खर्चा कम होगा। जो भी उद्योग लगाएंगे उसको उद्योग को फायदा होगा। फिर मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है कि अब 7 दिन के अंदर अगर परमिशन नहीं दी तो ये मान ली जाएगी परमिशन दी। कोई भी किसी चीज के लिए अप्लाई करेगा 7 दिन में उसको परमिशन देना है विभागों को, और नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उसको परमिशन मिलेगी, वो अपना काम चालू करेगा, किसी से परमिशन लेने की ऐसा कहीं नहीं हुआ आज तक इस तरह के। और जो बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर्स हैं, 27 परमिशन लगती थी पहले, अब केवल 5 लग गई। कि हर नियम को शिथिल करके उसको लोगों के आरामदायक बनाना। आज प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जाति प्रमाण पत्र, दूसरे प्रमाण पत्र ऑनलाइन भरो, जाने की जरूरत नहीं, घर पे आएगा प्रमाण पत्र। ये दौर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने चालू किया, ये हमारी योजना एक के बाद एक चल रही है। अगर हम बात करें 15 साल में सहकारिता के सभी जो सहकारी सहकारिता समितियाँ होती है वहाँ तक के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, पूरे जिले के लोग आए थे। और सबकी डिमांड ये थी कि सहकारी बैंकों को मजबूत होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो ऋण माफी अभियान चलाया है 50 लाख किसानों का, ये पैसा जो बैंकों में जाएगा इससे समितियाँ और जो बैंक है ये मजबूत होंगे। इससे आगे आने वाले समय में जो जो लोन देना है, जो ऋण देना है, उसमें आसानी होगी। सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कर दिया है इन सोसाइटियों को मजबूत करना है। इसमें प्रशासक मंत्री के चुनाव होंगे और एक बार फिर जो 2003 के पहले जैसे मजबूत थे बैंक समितियाँ, उनको उसी हालत में वापस लाया जाएगा, क्योंकि ये सीधे मध्यप्रदेश के 70% किसानों से जुड़ी हुई संस्था है। जब ये मजबूत होगी तो किसान मजबूत होगा, और जब किसान मजबूत होगा उसको फसल का पूरा पैसा मिलेगा। जो मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि किसानों के फसल का मूल्य ज़्यादा मिले, उसके लिए सरकार कदम उठा रही है और उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जिससे जब उसका मूल्य बराबर नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, स्टोरेज में रख दें
और जब मूल्य ज़्यादा हो तब बेच दें, वो फैसिलिटी किसानों को दी जाएगी। पूरा मध्य प्रदेश की सरकार के जो स्टेप्स हैं वो किसानों के हित में है, और इसीलिए जो आदिवासी किसान हैं उनके जो साहूकार हैं वो भी माफ किए, और 10,000 रुपये की उनको ATM की बातों का दिए कि पैसे निकाल सकते हैं। तो आज ये बहुत ही सफल यहाँ पे सहकारिता सम्मेलन हुआ, यहाँ का आयोजन को बधाई शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। पहली बात जिसने मंदिरों की है, अच्छा ये मान के चलिए कि यहाँ जो लक्ष्मण बाग के मंदिर है उसमें जो बच्चों को प्रसाद देंगे उसका पैसा उसके जीर्णोद्धार के लिए हम दे देंगे जगन्नाथ जी की सरकार। और राम वन गमन पथ और सीता जी का मंदिर ये बनाने का पूरा योजना बन गई है, इसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। श्रीलंका सरकार को भी बातचीत होगी और मध्य प्रदेश में जो सांची है उसमें भगवान बुद्ध का स्मारक बनेगा, इसके लिए केंद्र बनेगा। इस सबके स्टेप्स मुख्यमंत्री गोलाज जी ने उठा दिए। और एक बात जो कहती कि जो जमीनों पर अतिक्रमण है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जैसे उज्जैन में एक मंदिर वहाँ कुछ नहीं है, 25,000 एकड़ ज़मीन है कुल, बहुत छोटी सी राशि उसके आती है। ऐसी ज़मीनों को बेचकर एक फंड बनाया जाएगा, वो एक स्टेट लेवल का फंड होगा, उससे जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होगा। और एक स्टेट फंड और एक जिले का फंड, जैसे मान लो हर जिले को थोड़ा पैसा दिया जाएगा। ऐसी मथुरा में भी ज़मीन है, देश के अंदर कई जगहों पर ऐसी शासकीय मंदिरों में ज़मीन है जो कोई काम नहीं आ रही, वो पैसा निकाल कर स्टेट लेवल पर और जिले लेवल पर उसको राशि को रखा जाएगा। 50% स्टेट पे, बाकी 20% उससे जितनी मंदिरों को जुड़ना करोगा। और हमने मानदेय पुजारियों का मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया है, ये पहली बार हुआ है, बाकी इसके पहले की सरकार ये सब चलती रही, ये हम सब कर रहे हैं। मंत्री जी।